देश में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच कई लोगों में वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के बाद अब तक कुल 447 लोगों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इससे पहले दिल्ली में 52 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगने के बाद दिक्कत होने की खबर आई थी। इनमें से कुछ को एलर्जी की शिकायत हुई तो कुछ को घबराहट हुई। आपको बता दें कि इनमें से 1 वर्कर को AEFI सेंटर भेजने की नौबत आई थी। फिलहाल आज कोरोना टीकाकरण के दूसरे दिन यानी 17,072 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। देश में अब तक कुल 2,24,301 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि शनिवार को प्रतिकूल प्रभाव के 51 मामूली केस सामने आए, जिनमें कुछ को मामूली परेशानी हुई, हालांकि एक केस थोड़ा गंभीर था। उस शख्स को एम्स में भर्ती कराया गया। जिस हेल्थ केयर वर्कर को एडमिट कराया गया है उसकी उम्र 22 साल है और वह सिक्योरिटी में काम करता है। कुल मिलाकर सिर्फ 1 को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, बाकी 51 को थोड़ी देर के निरीक्षण के बाद छुट्टी दे दी गई। मालूम हो कि सरकार ने हर सेंटर पर एक AEFI केंद्र बनाया है, जहां टीका लगने के बाद दुष्प्रभाव मिलने पर चेकअप की सुविधा मिलती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।